सर मैं एक्चुअली अपना घर बनवा रही थी और ये ड्राइंग मुझे मिला। ओके। अब ये ड्राइंग मुझे ही समझ में नहीं आ रहा तो मैं लेबर्स को कैसे बताऊं? बिल्कुल मैम, असली में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे वेरियस लेवल्स बता रहे हैं, जो बिल्डिंग के लेवल्स हैं, जैसे NGL हो गया, EGL हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, फ्लोर फिनिश लेवल हो गया, SGL हो गया। ये पूरी चीज आपको समझ में आ जाती है ना, तो ये पूरा प्लान आपको आसानी से समझ में आ जाता है। सर ये AGL और EGL क्या होता है? EGL होता है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में अपन लोग वीडियो में जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंजीनियर, जैसे कि आपने देखा कि मैम को ड्राइंग रीड करते नहीं बन रहा था, मैम को ड्राइंग रीड करते क्यों नहीं बन रहा था? वहां पर दिक्कत आ रही थी, NGL के टर्म में लिखा हुआ है या फिर BGL लिखा हुआ है या फिर EGL लिखा है या फिर प्लिंथ हाइट की बात करूं या सील लेवल की बात करूं या फिर बात करूं SSL की या फिर बात करूं SFL की बात करूं या फिर FFL की बात करूं, ये टर्म्स मैम को समझ में नहीं आ रहे थे। ये टर्म्स जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था वो नहीं समझ में आ रहा था। यही प्रॉब्लम हर एक सिविल इंजीनियर को आती है जब भी वो साइट में जाता है, तो लेवल्स ही नहीं पता होते कि ये लेवल्स क्या है। अब ये लेवल्स नहीं पता होते तो क्या होता है, साइट में एग्जीक्यूट करते नहीं बनता। अब इसी तरह से एक और टर्म होता है मदर स्लैब, ये मदर स्लैब क्या होता है यही नहीं पता होता। तो अब साइट में मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं, ये लेवल्स नहीं पता, तो ड्राइंग में ये मेंशन होंगे तो, या फिर कोई साइट में आया है मेरे से पूछ रहा है कि SSL कहां है, कौन से लेवल पे, या फिर मदर स्लैब का लेवल क्या है, तो मैं क्या आंसर दूं? वो लेवल ही नहीं पता। हाँ, हो सकता है मैंने उस हिसाब से काम कराने की कोशिश कर ली, परंतु मुझे लेवल ही नहीं पता तो मैं क्या करूं? तो सबसे पहले चलते हैं NGL की तरफ, नेचुरल ग्राउंड लेवल। अब ये नेचुरल ग्राउंड लेवल क्या है, आप समझ लो एक नए प्लॉट को लिए हो, तो वहां पर जो ग्राउंड लेवल अभी है वो नेचुरली है, वो नेचुरली को बोलते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल। मतलब कुछ चेंजेस नहीं किया अपन लोग ने, एक्सकवेशन नहीं किया, फिलिंग नहीं किया, वहां पर कोई ग्रास को नहीं कटिंग किया, वो जैसा लेवल है उस लेवल को बोलते हैं NGL। इसके बाद आता है BGL। अब BGL क्या है, आपने अपने हिसाब से पूरे लेवल को कर लिया, घर बना लिया, अब घर बनाने के बाद आप घर के अंदर घुस रहे हैं, तो जिस लेवल पे आप घुस रहे हैं वो आपका लेवल हो गया BGL। अब इसकी जरूरत क्यों है भाई, नेचुरल ग्राउंड लेवल पे ही मैं लेवल बना लेता तो क्या दिक्कत होती भाई, पानी गिरता कहीं कुछ और होता तो डायरेक्ट पानी आपके घर में आ जाता, कुछ भी चीज़ आपकी स्लोप सेम होती तो आसानी से आ जाता, थोड़ा सा घर ऊपर बनाते तो उसी को बोलते हैं BGL। अब इसके बाद एक और टर्म आता है EGL, यहाँ पर दिक्कत आती है। अब EGL क्या होता है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, मतलब जब मैं साइट में गया तब जो लेवल था वो रहा एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। ये टर्म अधिकतर सर्वेयर लोग यूज करते हैं। अब सर्वेयर लोग को क्यों यूज करना पड़ता है, जब कई बार साइट में अपन लोग साइट क्लीन करा लिए उसके बाद सर्वेयर को बुलाएं, थोड़ा सा ग्रासेस को हटा लिया, क्लीन कर लिया तो हो सकता है लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया, उस समय जो लेवल हो जब सर्वेयर सर्वे कर रहा है तब अपन लोग जनरली यूज करते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्लिंथ लेवल। अब प्लिंथ लेवल तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग को पता होगा, प्लिंथ लेवल क्या हो जाता है, प्लिंथ लेवल की बात करूं या प्लिंथ हाइट की बात करूं, तो आपके ग्राउंड लेवल जो आप NGL था उससे आप जहां खड़े हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस को अपन लोग प्लिंथ हाइट बोलते हैं। अब इसकी भी जरूरत क्यों हो रही है, इसकी भी जरूरत वही है कि रेन वाटर या फिर बाकी चीज़ें अंदर डायरेक्ट ना आ जाए, उसके लिए जरूरत पड़ता है। इसका मिनिमम रेंज होता है 150, परंतु कभी 150 mm का नीट प्रोवाइड करते हैं अपन लोग, इससे ज़्यादा का ही प्रोवाइड करते हैं। जनरली प्रोवाइड करते हैं 400 से 600 mm और ये जा सकता है 900 से 1200 in general, उससे ज़्यादा अपनी मर्जी है, जितने लेवल तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। स्ट्रक्चर स्लैब लेवल क्या है, SSL क्या है, स्ट्रक्चर स्लैब लेवल होता क्या है? स्ट्रक्चर स्लैब लेवल कॉमनली आपको ये मिलेगा स्ट्रक्चर ड्राइंग में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्यों मिल रहा है, जहाँ पर अपन लोग स्लैब की बात कर रहे हैं, स्लैब की लेवल डिसाइड कर रहे हैं, वहाँ पर आपको इस तरह से स्लैब दिखेगा, एक ऊपर इन्वर्टेड ट्रायंगल दिखेगा। अब ये इन्वर्टेड ट्रायंगल क्या बताता है, जहाँ पर ये पॉइंटर है, ये नीचे पॉइंटर दिख रहा है, इस पॉइंटर की लेवल बताता है। अब इस लेवल बता रही है 3200 बता रही है, ये ड्राइंग में मेंशन ही नहीं कर रहा हाइट क्या है, किस में, एमएम में, इंच में है, फीट में है, मीटर में है। इसका मतलब होता है कि ड्राइंग में नोट में वो मेंशन करके रखा होगा कि पूरी ड्राइंग का डायमेंशन किस लेवल पे हो रहा है, मतलब यहाँ पर रहेगा जैसे mm मेंशन किया कि पूरी ड्राइंग आपकी mm में, तो ये 3200 mm की बात कर रहे हैं, वैसी 6400 mm की बात कर रहा है। तो ये क्या लेवल है, आपके मदर स्लैब लेवल की। मदर स्लैब की बात किया था मैंने स्टार्टिंग में ही, पूछा था मदर स्लैब क्या है, जो नॉर्मल आपका कॉन्क्रीटिंग के बाद जो स्लैब की लेवल है उसको ही को बोलते हैं मदर स्लैब लेवल। अब यही सेम टर्म आपका स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल में यूज होता है। स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल में सेम टर्म क्यों यूज हो रहा है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, अपन लोग वो थोड़ा सा डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये एनोटेशन जनरली आर्किटेक्ट यूज करते हैं। अब आर्किटेक्ट ये यूज क्यों करते हैं वो भी आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ। अब जैसे फ्लो फिनिश लेवल है, फ्लो फिनिश लेवल क्या होता है कि जब आपने स्लैब का पूरी कास्टिंग कर ली, उसमें टाइल्स लगा लिया, उस लेवल को बोलते हैं फ्लो फिनिश लेवल। परंतु तो इसमें एक और चीज ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में बिल्डिंग ग्राउंड लेवल बात किए थे और फ्लो फिनिश लेवल, ये एक हो सकता है, किस केस में, ग्राउंड फ्लोर के लिए, ग्राउंड फ्लोर के लिए दोनों लेवल एक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मैंने बात किया था इसके पहले,
SFL और FFL में क्या डिफरेंस है, SFL और FFL अपन लोग क्या आर्किटेक्ट यूज करते हैं इस तरह से। अब इस तरह से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं किया गया कि SFL कौन सा है, FFL कौन सा है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ये जो नीचे लिखा है +3200 मतलब ग्राउंड लेवल डिसाइड होगा एक जीरो पॉइंट पे, वहां से 3200 mm ऊपर, प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है ये ऊपर है, क्या इंडिकेट कर रहा है SFL मतलब स्लैब का फ्लोर लेवल। अब फ्लोर फिनिश लेवल क्या हो गया, उसके ऊपर टाइल्स लगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, तो इसके कारण वो 50 mm एक्स्ट्रा है। अब हो सकता है ये नीचे भी हो, ग्राउंड फ्लोर के नीचे जब आप लोग बेसमेंट में करते हैं तभी भी इसी तरह से होता है, परंतु माइनस के साथ। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इसी तरह से पूरे डिटेल में कंटेंट चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 में और जान सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस लाइफ टाइम के लिए कॉप्स आपको कैसे मिल सकता है जिसकी लास्ट डेट आज ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।